एसोसिएशन द्वारा लुधियाना में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी राज्यों ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए भी सहमति व्यक्त की। इस दौरान क्रिकेट मैच में उपयोग की जाने वाली क्रिकेट गेंद को भी लॉन्च किया गया। गुरप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि ब्लाइंड क्रिकेट आज अपने मुकाम पे है। देखिए, हाल में अभी जो मेन स्ट्रीम सामान्य क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ, उससे ज़्यादा अच्छा हमारा ब्लाइंड क्रिकेट कर रहा है। पिछले 8-9 साल से लगातार पिछले 3 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हरा के हम लोग लेके आए हैं। और जो हमारा पिछला वर्ल्ड कप था 2018 में, हमने जो पाकिस्तान को हरा के हमने अपनी आर्मी को समर्पित किया था, माननीय राष्ट्रपति जी को जाके दिया था, उसी के उसमें अब हमारे जो नॉर्थ स्टेट हैं उनको अच्छा मजबूत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिकेट में आने के लिए और मजबूत प्लेयर बना के, जिसमें मैं अपनी जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के नॉर्थ इंडिया के लोग खेलें। यूपी, उत्तराखंड है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, चंडीगढ़। और बाकी हमारी कोशिश ये कि क्योंकि हरियाणा सरकार बहुत बड़े लेवल पे ब्लाइंड क्रिकेट को मदद कर रही है, उत्तराखंड सरकार बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रही है, पंजाब सरकार अभी बहुत पीछे है, ना के बराबर उनकी तरफ से सपोर्ट हमें है। जिस तरह शैलेंद्र जी ने दस्या कि पंजाब दे विच अगर गल करिए क्रिकेट की, तो बाकी स्टेटा नालों असीं काफ़ी पछड़े हुए हैं। सो प्लेयर्स वालों कोई कमी नहीं है, जिहड़ी साडी ऑर्गनाइजेशन अपने वालों कोई एफर्ट्स दे विच साडे वालों कोई कमी नहीं है, पर इहदे लई सरकारां दी समर्पित भावना और स्पोंसर्स दा अगे आउणा बहुत वड्डी इक ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਭੀ ਜੋ ਜਹਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਤੀ ਥੀ ਵੋ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ NIVH ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਤੀ ਥੀ ਉਸ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ स्टैंडर्ड का बनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही बनाया जाए और वो बॉल हम अप्रूव करा के यूज़ कर सकें, जो कि कॉस्ट में काफ़ी कम होगी लेकिन क्वालिटी उसकी वही रहेगी।